अभी केजरीवाल जी को 6 दिन की कस्टडी मिली है, लेकिन इसी के साथ साथ सारे लोग ये कह रहे, एक सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से अपना अरविंद केजरीवाल को बहुत ही गैर कानूनी तरीके से बदले की भावना से, डर की वजह से, झूठे केस में अरेस्ट किया है। ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, तो विश्व गुरु जो हमारे हैं वो भी जानते हैं। ये डर है कि केजरीवाल जी अगर हमारे साथ रहेंगे तो 2000 का चुनाव जो है वो दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है बीजेपी के लिए। तो उनको और उनके सभी साथियों को, हेमंत सोरेन जी को और भी नेताओं को, इस प्रकार से उनका जो कार्यक्रम चल रहा है तकलीफ देने का वो चलते रहेगा। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकती है, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है, इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। बात रही केजरीवाल जी की, अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं, केजरीवाल जी के पास पूरा बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बार वहाँ चुनाव लड़ी है, 5 के आगे नहीं गई है, अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक बड़ा संग्राम है, ये बड़ा महासंग्राम है, और हम मानते हैं ये देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। जेल में रहकर भी काम कर सकते हैं आपके खिलाफ, मुख्यमंत्री पद पर होना या नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है, भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने, सीबीआई ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना है, वो लोगों के नेता है, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको बहुमत दिया है, तो लोग तय करेंगे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पर रहना है या नहीं रहना है, लेकिन हम मानते हैं केजरीवाल जी को रहना चाहिए। सर, एक अकेला सबसे भारी संपद देखिए, औरंगजेब सा वध जैसे छत्रपति महाराज ने केला, तर कंसाचा देखील वध श्री कृष्णाने केला, एकंदरीत कंस देखील जेल मध्ये टाकत होता। आता जी बघा, कंसाला ज्यांची ज्यांची भीती वाटत होती, कंसाला ज्यांची ज्यांची भीती वाटत होती त्या सगळ्यांना त्यांनी तुरुंगात टाकलं होतं, अगदी देवांना सुद्धा तुरुंगात टाकलं होतं कंस मामाने। शेवटी त्याच तुरुंगात श्रीकृष्णाचा जन्म झाला आणि त्या श्रीकृष्णाने कंसाचा वध केला। या देशामधली परिस्थिती नेमकी त्याच पद्धतीची आहे, आमच्या कंस मामाला भीती वाटते सगळ्यांची, आणि ज्याची भीती वाटते त्या सगळ्यांना तो तुरुंगात टाकतो आहे। सबसे बड़ा फंडिंग जो है अरविंदो फार्मा, बराबर ना, अरविंदो फार्मा ने सबसे ज्यादा फंडिंग आपको नहीं किया है, केजरीवाल जी को नहीं किया है, ये फंडिंग किया है भारतीय जनता पार्टी को, और व्यक्तिगत तौर पर भी फंडिंग किया उसने। लेकिन जेल में किसको भेज दिया है? केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान आपने नया तरीके से लिखा है? हाँ, आपने चोर छोड़कर सन्यासी को फांसी दिया है। बाद में 30 करोड़ का दिया है, मालूम है ना, 35 करोड़। हाँ, जब जेल में गया तो 5 करोड़ और फिर 35 करोड़। ये बीजेपी को पैसा मिला है लिकर घोटाले का, मध्य घोटाले का। तो जेल में कौन जाना चाहिए? केजरीवाल जी नहीं जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेजना चाहिए ईडी ने। अगर ये ईडी ने गलत काम किया है तो हमारी सरकार जब आएगी तो आप देखिए कौन जेल में जाता है। तर अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवरून संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा भाजप सरकारवर टीका केलेली आहे। देशामध्ये जंगल राज सुरू आहे असं म्हणतात संजय राऊत। एबीपी माझा
उघडा डोळे बघा नीट.